अमित जी बताइए कि अनमोल को चुनने का क्या खास वजह रही, कितना डिफरेंट सॉन्ग बनाया है कि अनमोल की ही वॉइस उस पे सूट करे? ये गाना अनमोल की वॉइस को ही सूट करता है, क्योंकि उन्होंने जैसे पहले भी गाने गाए हुए हैं तो वो भी बहुत अच्छे गाने, सुपरहिट गाने हैं, और ये गाना भी कहीं ना कहीं उसी तरह का उस वॉइस को सूट करता है। तो मेरी पहली चॉइस थी अनमोल, और बहुत अच्छा गाया उन्होंने। फिल्म के किस पार्ट को मतलब एस्टेब्लिश करेगा आपके ऊपर? ये लड़कियों की स्वतंत्रता को जो है वो बताता है, कि आजकल जिस तरह लड़के जो हैं डिस्को में जाके मस्ती करते हैं, उसी तरह से लड़कियां भी आजकल मस्तियां कर रही हैं, तो उसी तरह से ये गाना है। तो म्यूजिक डायरेक्टर की जो एक जिम्मेदारी होती है कि गानों को अपने बेस्ट से, क्योंकि आज की मार्केट जो है 2 सेकंड में क्लिक करती है गाने के लिए, तो कितनी जिम्मेदारी और कितने सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाए आपने? म्यूजिक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक फिल्म के हिट करने के लिए। अगर म्यूजिक अच्छा होता है तो फिल्म भी चल जाती है उस हिसाब से। ऑडियंस जो है म्यूजिक सुन के ही जो है थिएटर तक जाती है, तो म्यूजिक डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है म्यूजिक को हिट कराने के लिए। किस किस तरह के रंग देखने को मिलेंगे? मैंने सभी तरह का सिचुएशन के हिसाब से मैंने गाने कंपोज किए हैं। कुछ इंडियन पैटर्न भी है, क्लब वाले भी हैं, थोड़ा पंजाबीयत भी है गानों में, और एक विशुद्ध क्लासिकल म्यूजिक भी मैंने बनाया हुआ है, वो रेखा जी गाएंगी, रेखा भारद्वाज जी। एक नाम तो काफ़ी मशहूर है म्यूजिक डायरेक्टर में, अमित त्रिवेदी, और यहाँ अमित शरद आ चुके हैं, तो क्या क्या मतलब? अब देखिए दुनिया में एक नाम के कई लोग होते हैं, तो बस हम लोगों का नाम कॉमन है, और कोई बात नहीं। और कौन कितने गाने बनाए, अगर हो सके तो 2 लाइन उसकी बना दी इस गाने को छोड़कर। एक रेखा जी का गाना है, रेखा भारद्वाज जी गाएंगे, वो ऐसा रात बनू एक सपना सुबह उधेड़ू, रात बनू एक सपना सुबह उधेड़ू, धागा टूट जाए कभी, रंग छूट जाए कभी, नींद की जिद के आगे आंखें रूठ जाए कभी, मन को भाए कभी, मन को न भाए कभी, सपनों का ताना बना बिखर जाए कभी, मन को लुभाए दूसरा सपना, रात बनू एक सपना।